मेरी बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर उसे देख कर गया है, इंजेक्शन लगा कर गया, कई दिनों से सोई नहीं है मेरी बच्ची। गुस्सा करने लगी, अब तो नौबत चीजें तोड़ने तक पे आ गई है। आपको उसका फौरन चेकअप कराना चाहिए था, ऐसी हालत में देर नहीं करनी चाहिए। सब कुछ अहमर तुम्हारी वजह से हुआ है। इतने दुख दिए तुमने उसे, मेरी बच्ची को जहनी मरीज बना के रख दिया है। नादिया एक नहायती जज्बाती लड़की है आंटी, सबर और जब्त जैसी चीज तो उसमें है ही नहीं। शायद यही उसकी बीमारी की वजह है, काश उसमें थोड़ा सा तहम्मुल होता। सुन रही हूँ मारुख, सुन रही हूँ अपनी भाई की बातों को? गलती की मैंने तुम दोनों को यहाँ बुला के। अहमर को जरा भी एहसास नहीं है कि नादिया इससे कितनी मोहब्बत करती है। अहमर कम से कम वक्त की नजाकत का ही ख्याल कर लो, कुछ तो सोच समझ के बोलो। मुजताबा आप प्लीज परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा, शील बी फाइन इंशाल्लाह, वो ठीक हो जाएगी। आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं इतनी। क्या मैं नादिया की तबीयत पूछ सकता हूँ? रिलैक्स करें प्लीज। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम इस घर में आई हो। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरे घर का चैन सुकून सब बर्बाद हो गया है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें अपने घर में कदम तक ना रखने देती। मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ी है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन मारूपाजी मेरा यकीन कर, खबरदार जो मेरे साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तुमने, तो 10 दफा मैं तुम्हें पहले मना कर चुकी हूँ। ये हक सिर्फ और सिर्फ नादिया के पास है। अहमर खुद तुम्हें धक्के दे के इस घर से बाहर निकालेगा जिस दिन उसकी नादिया से शादी होगी। वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे यकीन है उन पर और वादा किया है उन्होंने मुझसे। ओ वादा तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे मेरे भाई ने मजबूरी में नहीं बल्कि बड़े अरमानों से शादी की है तुमसे। कमाल है बीबी, 2 दिन तुमने शानो शौकत इस घर में देखी नहीं कि अपनी औकात भूल गई। होश में रहो बीबी, मेरा भाई अहमर नादिया का है। देख लो आज वो घर भी नहीं आया, इसीलिए क्योंकि उसने उसकी तीमारदारी करनी थी। दे बोथ लव ईच अदर।